गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। आज से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स में, ओके। और सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 पैटर्न। पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सटेंड टू फॉर्म पैटर्न्स इन द शेप प्रोवाइडेड। एक्सटेंड करो टू फॉर्म पैटर्न्स, पैटर्न्स बनाने इन द शेप प्रोवाइडेड, जो शेप दिए गए उस तरीके से। ये ऐसे गोला किया, ये इस तरीके से बनाया, ये इस तरीके से बनाया, ये इस तरीके से बनाया, और फिर फॉर ब्लैंक्स दे दिए। इट मींस पैटर्न, पैटर्न का मींस होता है एक तो या तो पिक्चरों का सीरीज होगा या नंबरों का सीरीज होगा, वो पैटर्न कहलाता है। ओके, यहाँ पर पिक्चर्स की सीरीज दी गई। पहले एक सर्कल बना हुआ है, फिर तीन एक्स बने हैं, फिर सर्कल बना हुआ है, फिर तीन एक्स बने हैं, फिर सर्कल बना, फिर तीन एक्स बने हैं। इट मींस आपको पता चल गया कि पैटर्न कैसे चल रहा है। एक सर्कल चल रहा है और तीन एक्स चल रहा है, ओके। फिर भी आता है ऐसे लिया, ऐसे किया, फिर ऐसे लिया, ऐसे किया, फिर ऐसे लिया, ऐसे किया, फिर ऐसे लिया और ऐसे किया। दो पैटर्न और बनाने हैं। पहले डी डाउन साइड, फिर अप साइड, फिर डाउन साइड, फिर अप साइड, और वापस डाउन साइड और फिर अप साइड, डाउन साइड, अप साइड, डाउन साइड, अप साइड, डाउन साइड और अप साइड। ये पैटर्न चल रहे हैं, ओके। थर्ड आता है सी, ऊपर की ओर दो एरो दिए गए हैं, नीचे की ओर दो एरो दिए गए हैं, वापस ऊपर की ओर दो एरो दिए गए हैं, वापस नीचे की ओर दो एरो दिए गए हैं, वापस ऊपर की ओर दो एरो दिए गए, दो एरो ऊपर, दो एरो नीचे, दो एरो ऊपर, दो एरो नीचे, दो एरो ऊपर। अब दो एरो नीचे होंगे, दो एरो ऊपर होंगे, दो एरो नीचे होंगे, ओके। इस तरीके से होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टू एरो अपर साइड है, फिर टू एरो डाउन साइड है, देन ये टू एरो अपर साइड है, देन ये टू एरो डाउन साइड है, फिर अपर साइड, डाउन साइड, अपर साइड, डाउन साइड। इस तरीके से ये होंगे, ओके। ये पिक्चर्स की पैटर्न पर चल रहा है। बी दोनों स्लैंटिंग है, दोनों ऐसे लाइनिंग है, फिर इस तरीके से 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 है, तो फिर इसके बाद कौन सा होगा? इस तरीके से होगा, उसके बाद इस तरीके से होगा, और उसके बाद इस तरीके से होगा, ठीक है। ये पैटर्न का मैंने बता दिया। देखो पहले लाइन ऐसे वर्टिकल है, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर इंक्लाइंड है, ये वर्टिकल भी नहीं बोल सकते, इंक्लाइंड है ऊपर की ओर, फिर वापस ऐसे, फिर वापस इंक्लाइंड, फिर नीचे, फिर इंक्लाइंड, फिर ऐसे, ठीक है। फिर वापस इस तरीके से, फिर इस तरीके, फिर इस तरीके। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स। पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो, ड्रॉ देम इन योर एक्सरसाइज बुक। उनको ड्रॉ करो एक्सरसाइज बुक में। कलर दिस फिगर टू मेक डिफरेंट पैटर्न्स टू एक्सटेंडेड फॉर्म। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स, इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो, ड्रॉ देम इन योर एक्सरसाइज बुक। आपको अपने एक्सरसाइज बुक में ड्रॉ भी करनी है। कलर दिस फिगर टू मेक डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट पैटर्न बनाना है। ये आता है, पहले ऐसे बनाया, ऐसे किया, फिर ये ऐसे, फिर ये इस तरीके से किया, फिर ये इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से किया, फिर ये इस तरीके से, ओके। कंटिन्यू ये चल रहा है, फिर ये इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से,
मतलब कंटिन्यू एक ही पैटर्न चल रहा है, तो ये लास्ट में ऐसे, फिर ये ऐसे होगा और फिर ये ऐसे होगा। ओके देखो, रेक्टेंगल बॉक्स सीधी लाइन, रेक्टेंगल बॉक्स सीधी लाइन, रेक्टेंगल बॉक्स सीधी लाइन, रेक्टेंगल बॉक्स सीधी लाइन, रेक्टेंगल बॉक्स और सीधी लाइन। बी है, एक लाइन सीधी है, फिर इस तरीके से रेक्टेंगल बॉक्स बना, फिर सर्कल, फिर सर्कल बना, फिर रेक्टेंगल बॉक्स बना, ठीक है। फिर लाइन सीधी है, फिर लाइन ऐसे बना, फिर सर्कल बना, फिर एक सर्कल बना, फिर एक लाइन इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब एक लाइन है, फिर रेक्टेंगल के अंदर सर्कल है, फिर सर्कल के अंदर रेक्टेंगल है, फिर लाइन है, फिर बॉक्स के अंदर सर्कल है और सर्कल के अंदर बॉक्स है, इस तरीके से। फिर वापस लाइन आएगी, रेक्टेंगल के अंदर बॉक्स होगा है ना, फिर सर्कल आएगा, सर्कल के अंदर बॉक्स होगा, फिर रेक्टेंगल आएगा, उसके अंदर बॉक्स होगा। ओके, इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। पिक्चर्स का पैटर्न था, आज आपको एक्सरसाइज 1.1 पूरी करनी है। थैंक यू।